हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे टू। कल बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम दो ही चीज़ कवर कर पाए। और दो ही चीज़ कवर हो पाई। आज भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पता नहीं हम कितना ज़्यादा कवर कर पाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर ले सारे स्पॉट्स। सो अब ब्रेकफास्ट करते हैं, गाड़ी रेडी कर ली है हम लोगों ने, चेकआउट करने का टाइम हो चुका है रूम का। 9 बजे यहाँ पे चेकआउट टाइमिंग है, यूजुअली 12 बजे तक होता है सारे रिसॉर्ट्स में, बट यहाँ 9 बजे। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल्स जा करके कितना कवर कर सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं आर्थर लेक। मेरे पीछे जो लेक देख रहे हो ब्यूटीफुल सा, ये है आर्थर लेक, जिसके ऊपर बना है विल्सन डैम। यहाँ पे बोटिंग होते हैं 50-60 रुपीस पर सीट होते हैं, जो आपको विल्सन डैम तक ले जाती है। अभी तेज बारिश हो रही है, 3-4 दिन से बंद है। अगर आप लोग आओ तो ये जरूर ट्राई करना। क्या नाम है तुम्हारा? विजय। तुम्हारा क्या नाम है? स्कूल जाते हो तुम लोग? स्कूल नहीं गए फिर आज? छुट्टी आज? अच्छा, अरे वाह। गाइस, हम लोग आ गए संदन वाली के एंट्रेंस पे। यहाँ से अगर आप एंट्री मारोगे तो यहाँ पे संदन वैली और आपको रिवर्स वाटरफॉल दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे 30 रुपीज़ का आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा पर हेड। एडवेंचरर्स ना बहुत कम दिखेंगे, क्यों? उसका रीज़न ये है कि इतना बारिश हो रही है हम लोगों के पास, हम लोग ऐसे ही आ गए, बाइक पे कुछ लगा नहीं सकते। ये हेलमेट ऐसा ले लिया है, जैकेट को हमने रेनकोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बैग पीछे टैंक बैग लगा दिया है, और ये पॉली बैग की थैली हमने ली, उसके अंदर सारे मोबाइल डाल दिए। अब हम लोग चल के जा रहे हैं। ऐसे तो फॉग बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे क्या हम भी देखें और आप लोगों को भी व्यू दिखा सकें। एक्चुअली संदन वैली बहुत पॉपुलर है फॉर द ट्रैकर्स, एंड इसलिए हम चाहते थे हम भी विजिट करें। यहाँ से रिवर्स वाटरफॉल भी एक रूट है, लेकिन रिवर्स वाटरफॉल यहाँ से 15 मिनट और लगेगा जाने के लिए ट्रैक करके, और हम लोग अभी जाना नहीं चाहते क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि उस लोकेशन तक जाके वापस आने में हम लोग को 1-1.5 घंटा और लगेगा, तो हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। बट आप लोग अगर यहाँ पे आए, मतलब अभी तो हमारा तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, आप लोगों का ऐसे हो तो मतलब वही बात है, मौसम आप लोगों का अगर साथ दे जाए तो आप लोग ज़रूर रिवर्स वाटरफॉल भी विज़िट करिए। गाइड यहाँ पर मिल रहे हैं बाहर, यूजुअल सीज़न रेट उन लोग का 300 रुपीज़ है, और अभी ये लोग 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं क्योंकि बहुत बारिश है। 200 रुपये में वो गाइड आपको संदन वैली भी दिखाएगा और रिवर्स वाटरफॉल भी दिखाएगा, दोनों जगह आपकी कवर करेगा वो। ये देखो गाइस, ऐसा कच्चा रोड है संदन वैली तक जाने के लिए, और विजिबिलिटी देख रहे हो आप, तो देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने सामने तक। हम तो ये सोच रहे हैं वैली में भी क्या क्या दिखाई देगा। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताओ ये जंगल देख के क्या याद आ रहा है। यहाँ पे रैपलिंग और जिपलाइन भी है 300 रुपीज में।
देखते हैं अंदर अभी चल के जाते हैं। चंदन वैली जाने का रास्ता है, ट्रैक करके जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है, बारिश की वजह से पूरा रास्ते में पानी भरा है। मेरा साथी है, स्टार्ट से लेके अब तक आ रहा है मेरे साथ। इसको एक पैकेट बिस्किट खिलाया तब से हमारे साथ ही चल रहा है बारिश में पानी में। गाइस विजिबिलिटी एकदम जीरो है, हम लोग को कोई दिख भी नहीं रहा। पानी नीचे जा रहे हैं रिवर वाटरफॉल, इसके लिए इससे बोलते हैं क्योंकि जो वाटरफॉल नीचे जा रहा है हवा से उसके पानी के स्प्रिंकल्स वापस रिवर्स आते हैं, तो यहाँ पे वही हीट महसूस भी हो रहा है हम दोनों को। ऑलमोस्ट मेन लैंड से 20 मिनट लगा है ट्रैक करके यहाँ तक आने में। डायरेक्शन के लिए प्रॉपर बोर्ड गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, वो पुली बहुत अच्छा है, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग गाइड लेके साथ में आएँ, गाइड आपको और अच्छी तरीके से बता पाएगा। गाइस हम लोग आ गए अमृतेश्वर देवस्थान। दिस इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल। आप एंट्री में ही लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एक कुंड दिखेगा पानी का, जो बहुत ही पुराना और एंशिएंट है। अभी हम अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। ये मंदिर एक्चुअली रतनगढ़ फोर्ट के बेस पे है और ये वन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ मराठा एम्पायर है। ये मंदिर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है। मंदिर एक्चुअली इतना बारिश हो रहा है, ये मंदिर अभी अंदर शिवलिंग ढक गया है तो दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन ये हमारे पीछे खूबसूरत सा मंदिर है। गाइस डे टू एंड्स हियर। हमारा भंडारा दरा का टूर खत्म हो चुका है। तत्सारा घाट क्रॉस करके वी आर एट अ रेस्टोरेंट हैविंग डिनर। आप लोगों को ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा, हमारे दो दिन का ट्रिप भंडारा दरा टूर का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें और मोटिवेट करते रहेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। सो सी यू गाइस, विल मीट यू अगेन विद अनदर ट्रिप।